देखिए, हमेशा आप लोग को ऐसे ही लगा है कि बड़ा कुछ होने वाला, और पता चला कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होता नहीं है, नहीं दिख रहा है झारखंड में जो राजनीतिक उलटफेर है। अब देखिए, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बाबा चाहेंगे तो पूरा परले ला सकते हैं। वो ब्रह्मांड के देश सृष्टि रचयिता है, वो तीनों लोक के हैं। रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, मुआवजा लेकर के हमारे क्षेत्र में तो नंगा नाच चल रहा है ना, अधिकारियों के मिलीभगत से। अधिकारी लोग यहाँ पर जो है, जो सुखदेव सिंह है, उसको पहले ही माननीय मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश की है कि आपका सर ऊंचा रहे, गर्व से कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपको शक्ति देने का काम कर रही है। साथियों, क्षेत्र में बहुत चुनौती है, बहुत तरह के लोग हैं जो क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को हक और अधिकार नहीं मिले, उसके लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलाली का काम करते हैं और बाहरी लोग के लिए काम करते हैं। कई लोग को खटकता रहता है कि बाप बन गया विधायक, फिर पत्नी बनी, फिर बेटी बनी। ये नहीं देखते कि बाप बना तो जनता के लिए लड़के जेल का संघर्ष काटा, पत्नी बनी तो वो भी लड़के जेल के संघर्ष काटी, और बेटी को आना पड़ा अपना सारा चीज छोड़ के, और रात दिन क्षेत्र में मेहनत कर रही है, क्षेत्र में विकास कर रही है। साथियों, आप लोग कोरोना भी देखे हैं और चुनौतियों को भी देखे हैं क्षेत्र में। अभी सभी बरसाती मेंढक दिखेंगे आपको, लेकिन एक बात बताइए, क्या कोरोना में एक भी नेता दिखा क्षेत्र में? भगवान के दरबार में आप गए थे और एक बयान आपका सुर्खियों में, क्या कहेंगे उसको लेकर? बेटी के लिए कुछ दुआ मांगे थे? देखिए, हर पिता हर माता चाहता है कि बच्चे लोग आगे बढ़े। एमएलए है तो एमपी बने, एमपी है तो सीएम बने हमेशा। तो बाबा के दरबार में कामना लिंग है, वो अपनी बात रख देते हैं, चूँकि हम सच बोलने वाले में से हैं। चापलूसी से हम दूर रहते हैं और दलाली से दूर रहते हैं, उसी के चलते थोड़ा हमको लोग दूसरे नज़रिए से देखता है। और हमने बाबा पास जो मांगा, वही चीज़ हम मीडिया हमसे पूछा तो हम बोले, हम सुख समृद्धि और विकास हमेशा मांगे हैं। बेटी को मुख्यमंत्री बनना भी देखना चाह रहे हैं? देखिए, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बाल बच्चा लोग आगे, अगर टॉप बॉटम पर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। एमएलए बनी है तो एमएलए बनी है, तो सीएम भी बाबा के आशीर्वाद अगर लगेगा तो निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव हैं, अगरदानी है। वो चाहे तो जिसको ऊपर पहुंचा सकते हैं, ना तो ज़मीन पर पटक सकते हैं। तो उनसे बोले हमेशा टॉप में रखिए हमारे बच्चों को। बस आपकी सुपुत्री हैं विधायक अंबा प्रसाद, आप जब विधायक थे या अभी जो ये वर्तमान विधायक हैं, ये दोनों के जो कार्य क्षेत्रों की बात करें, क्या आपसे बेहतर और बेटर कार्य कर रही हैं? निश्चित रूप से हमसे बेटर, जितना वो खट रही है। अगर हम अभी एमएलए रहते उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। 4 बजे भोर हमेशा आती है, एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ती है, हर दिन क्षेत्र में। और समझिए कि यहाँ तक है कि मतलब जब हमने बच्चों के लिए रिश्ते की बात की है, तो बोले पापा अभी नहीं, अभी चुनाव लड़ लेंगे उसके बाद करेंगे 2024 में। तो इतना बड़ा बलिदान देना, क्षेत्र की जनता सर्वोपरि है उसके लिए। हम अभी जब से जेल से निकले हैं, हम लोग तो बलिदान दिए, पूरा परिवार तो बलिदान दिए हैं। हम लोग तो कभी विधायक रहे तो चेहरे पर कभी रौनक नहीं रहा विधायक का। हम जब रहे विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हमेशा जनता के लिए हमेशा मरते रहे। और मेरी पत्नी मतलब परिस्थिति बस, हमको जेल जाना पड़ा फर्जी केस में, और आप लोग से अच्छी तरह जानते हैं उस मैटर में। और जेल गए तो पत्नी लड़ी, और वो विपरीत परिस्थिति मोदी लहर 2014 में, उस समय मेरी पत्नी लड़ी हाउस वाइफ, उस समय मेरी पत्नी जीत गई। वो भी जब आंदोलन की पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता का रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, मुआवजा लेकर के, हमारे क्षेत्र में तो नंगा नाच चल रहा है ना, अधिकारियों के मिलीभगत से। वहाँ का आप जानते हैं कि एक एसडीओ है, वो पूरा पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे सुखदेव सिंह, उसको डायरेक्ट पैसा पहुँचाता था, और बिना मतलब मुआवजा दिए, बिना वहाँ लोगों को रोज़गार दिए, सब
जमीन लूटा जा रहा है, अभी भी लूटा जा रहा है। उसी का हम लोग बीजेपी के शासनकाल में काफ़ी आंदोलन किए, बेवजह हम लोग को राज्य बदर किया गया, उसके बाद बेवजह का जेल में रखा गया, मेरा बेटा को भी जेल भेज दिया गया, पत्नी को भी जेल भेज गया। हम लोग कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल नहीं गए, हम लोग बस यही खुशी है, हमारा जनता जानती है और हमारे बच्चे परिवार जानता है कि हम जो जेल गए वो पब्लिक इंटरेस्ट में जेल गए, और उसका नतीजा है कि घर में पत्नी और हमको जेल में रहने के बाद अंबा प्रसाद चूँकि UPSC की तैयारी करे दिल्ली से आई और चुनाव लड़ी और जीत गई, और जनता जो है सो उसका हमको मार्क्स दिया और आगे भी देते रहेगी, चूँकि अभी भी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, विपक्ष में भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और ये सरकार तो निश्चित रूप से काम करना चाहती है और काम कर भी रही है, लेकिन अधिकारी लोग यहाँ पर जो है, जो सुखदेव सिंह है उसको पहले ही माननीय मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था, चूँकि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ स्कीम को लागू कराने के चलते यहाँ था, राज्य सरकार का स्कीम भाण में जाए उससे मतलब नहीं, अधिकारी केंद्र के हाथ में, और केंद्र पर प्रायोजित कार्य कर रही है, सरकार प्रायोजित कार्य नहीं कर रही है, जो कि हम बराबर हम लोग, हम और हमारी बेटी अंबा प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में देते रहती है। अभी जैसे पतरातु का CEO हो गया, SDO हजारीबाग का हो गया, ये सब अरबपति बन गया, कंपनियों को दलाली करके, कंपनियों से अवैध उगाही करके, उसका मतलब सारा इलीगल काम करके, खनन और उत्प्रेषण जितना भी है सब ट्रांसपोर्टिंग खनन और बिना मुआवजा दिए हुए, गर्मजरवा जमीन का वन भूमि का 3-3 लाख रुपये बैकडोर से दिया जा रहा है, बैकडोर से उन लोगों को पेमेंट किया जा रहा है, तो ये सब बहुत बड़ा है, रैकेट चल रहा है वहाँ पर, और नहीं इसमें बिना अधिकारियों के नहीं होता, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पर FIR होता है, तो इस चलते तो देखिए अब क्या है नहीं, हम अंदरूनी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है उसमें CM नहीं है, उसमें अधिकारी लोग हैं, उसमें अधिकारी लोग जो है पूरा, अभी अगर जाँच हो जाए पूरा हर चीज़ का तो निश्चित रूप से कई अधिकारी जेल में नजर आएंगे, लेकिन कहावत में है कि जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना। हम लोग अपने अपने क्षेत्र का भी समस्या रखें, जो राज्य में कई चीज़ों को ठीक करने का ज़रूरत है, क्योंकि सारी समस्याएं तो जड़ से नहीं ख़त्म हुई है, और समस्याएं बहुत हद तक हमारी सरकार ने बहुत सारा अचीवमेंट किया है, बहुत बड़े बड़े योजनाओं को लाके और अलग अलग तबके के लोगों को राहत देने का काम किया है, चाहे वो बिजली की बात करें या किसानों की बात करें, आम आदमी को जो बिजली बिल राहत योजना के तहत जो दिया गया, जो पेंशन का स्कीम लगाया गया, और आज जड़ से एक एक व्यक्ति को, मतलब वैसे वैसे लोग जो लाभुक हैं पेंशन के लाभुक, उनका समस्या को जड़ से हल करने का काम किया गया, OBC वर्ग का जो विधेयक को पास किया गया, आगे जो विपक्ष लोग उसको नहीं होने दे रहे हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई कि हम OBC आरक्षण को कैसे हम लोग फिर से इसको एक मतलब पहल करें और फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। 1932 पे भी बात हुआ, कई चीज़ों पे बात हुआ, नियुक्ति पे बात हुआ, और चुनौतियां बहुत है सरकार के समक्ष, और कैसे इन चुनौतियों को पाटे हम लोग, कैसे इन चुनौतियों से हम लोग भिड़े और कैसे ऐसे आगे बढ़े, चुनौतियों को इस चैलेंजेस को कैसे हम लोग दरकिनार करें। देखिए लगातार कुछ ना कुछ हमेशा सुनने को मिला है, जब से राजनीति में आई हूँ, सरकार बनी है, और सरकार बनी हमेशा ये दिखाने का कोशिश किया जाना कि सरकार अस्थिर है, एक महीने तक ही सरकार चलेगी, दो महीने तक ही चलेगी, और ये आज से नहीं 3-4 साल से हो रहा है, और आप देखिए 4 साल हो गया लेकिन सरकार स्थिर है, तो इनका जो एजेंडा है, इसके पीछे जो इंटेंशन है, बस यही है कि अधिकारी डर के रहें और जो विपक्ष है उनके, उनका जो पॉलिटिकल इंटेंशन को पूरा करने के लिए अधिकारी काम करें, और यही कहीं ना कहीं हमारे सरकार को भी आगे बढ़ने में जो कहीं जो गति सरकार देना चाहती थी झारखंड को आगे बढ़ाने में, और अगर कुछ हद तक, बहुत हद तक सफल हुई है तो बस इसलिए क्योंकि जो भी अधिकारी है उनको डोर टू डोर भेजा जा रहा है, उनको अलग अलग जिला भेजा जा रहा है, उनको डिप्यूट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जिला में बैठक कर रहे हैं, सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं, सबका प्रॉब्लम सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अधिकारियों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अधिकारियों को दबाव विपक्ष के तरफ से बहुत बनाया जा रहा है। और देखिए हमेशा आप लोग को ऐसे ही लगा है कि बड़ा कुछ होने वाला, और पता चला कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होता नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग बिल्कुल, हम लोग तो देखिए हम लोग सीधा बात किए हैं, क्या क्षेत्र की समस्या है,
क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेस है, क्या पार्टी में हमें और चीज़ों पे मतलब फोकस करना चाहिए। बाकी हमारी बातें कुछ भी नहीं हुई और बाहर में इतनी सारी चर्चाओं के बीच में हमें लगता है कि फिर ये आपकी जो चर्चा है वो आके और शून्य में आ जाएगी, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। चर्चाओं की बात करें तो एक बाप की दुआ भी साथ में चल रही है, एक पिता ने अपने बेटी के लिए कुछ दुआ मांगी और चर्चाएं गर्म है, अचानक कुछ चीज़ हो रही है, इस बार क्या हो सकता है बाप की दुआ काम कर जाए? देखिए मुझे ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, एक पिता और बेटी का प्रेम सबसे ऊंचा होता है, अगर सबसे ऊपर कोई प्रेम का सबसे जो मजबूत रिश्ता, सबसे मजबूत रिश्ता एक बेटी और पिता का होता है और सबसे ज़्यादा प्रेम होता है उस रिश्ते में, और ये रिश्ता में मतलब पिता हमेशा अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि उसकी बेटी एकदम बेस्ट हो, उनकी बेटी सबसे अच्छा करे, सबसे अच्छा काम करे, सबसे अच्छा रिजल्ट मेरी बेटी का हो, सबसे ऊंचा पद मेरी बेटी को मिले। तो ये एक पिता का प्रेम है बेटी के लिए, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए प्रेयर किया है, ये उनका प्रेम है, इन घटनाओं से उसका कोई संबंध नहीं है। पिता ने एक रिश्ता के लिए बात कर रही और बेटी मना कर रही है अभी तक कि अभी मैं रिश्ता नहीं करूँगी। देखिए ये सब चीज़ तो मुझे नहीं पता है। चलिए रिश्ते के नाम पे शर्मा गई विधायक अंबर प्रसाद, अभी आप देख रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।